हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मुझे फिर से सिचुएशंस पे बात करनी है, एक डिफरेंट सिचुएशन के बारे में। एंड आई एम वेरी सीरियस विद दिस टॉपिक, क्योंकि मैं आपकी जर्नी को बहुत सीरियसली ले रही हूँ। मैं सीरियसली इस पे हार्ड वर्क कर रही हूँ, मैं कुछ एनालिसिस अपनी भी करती हूँ। तो मैं सिचुएशंस को लेके आ रही हूँ आपसे डिस्कस करने के लिए, जिससे कि ये आपको हेल्प करे। और अगर ये वीडियो में टाइम बहुत लंबा नहीं होगा तो मैं इस पे सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगी। और इन केस वीडियो बहुत लंबा हो गया तो हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे। बट उससे भी पहले इम्पॉर्टेंट है सिचुएशन मेरे लिए। और एक बार फिर नए सब्सक्राइबर्स का मैं बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। इससे आने वाले डाउट्स, अपकमिंग वीडियोस, सिचुएशंस, सब चीज़ के बारे में आपको टाइमली गाइडेंस मिलता रहे, राइट? कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे स्किप ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अपने आप को अपडेट रखिए। क्योंकि मेन चीज़ टू इन्फ्लुएंस में ये चमत्कारी मिराकुलस क्या होता है कि जो आपकी लाइफ में गुजर रहा होता है, जो क्वेश्चंस आपकी लाइफ में गुजर रहे होते हैं, वही वीडियो आपके सामने पॉपअप होते हैं। दैट्स द पावर ऑफ मिराकल ऑफ गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स, क्रिएटर, जो बोलिए। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी वो आपके सामने पॉपअप हो पाएंगे। चलिए दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं मैटर, ये मेरी बहुत ही स्पेशल खास सब्सक्राइबर है। स्पेशल खास इसलिए बोलूँगी, सब मेरे लिए एक बराबर है ऐसा नहीं है, बट मैं इनसे काफ़ी मंथ से, लगभग अप्रैल से इनके साथ मैं डील कर रही हूँ। काफ़ी सारे हमारे फॉलोअप सेशंस भी हो चुके हैं, तो पूरा मैं जर्नी को साथ में देख रही हूँ, समझ रही हूँ। और बिल्कुल इन्होंने मेरे हिसाब से इनर वर्क फॉलो किया। देखिए, इनकी अपनी खास बात ये थी कि इनको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू था कि पता नहीं कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ होगा या नहीं होगा। और बस क्योंकि इनको मुझ पर फेथ था, तो ये बिल्कुल मेरे इनर वर्क को फॉलो करती आ रही हैं, आज भी कर रही हैं। इन्होंने सारे एनर्जी क्लियरिंग सेशंस, DM DF बैलेंसिंग सेशंस सारे इन्होंने रजिस्टर कराए हैं। तो ये जो सामने इन्होंने लिखा है, दैट इज़ द आउटपुट ऑफ एनर्जी क्लियरिंग सेशन। इनकी लाइफ में देखिए होता क्या है कि समटाइम्स हमको सब इनर वर्क कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे से इनर वर्क किया, ठीक है। पर समटाइम्स हमारे कर्मा जो क्लियरेंस होते हैं, वो दैट डिलेज योर जर्नी। कि शी इज अ प्योर सोल, एवरी वन इज अ प्योर सोल, राइट, इन दिस लाइफ टाइम। बट होपफुली पास्ट लाइफ में हमारे कर्मा इतने ज़्यादा खराब होते हैं या इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारी जर्नी कहीं ना कहीं उन कर्मा के क्लियरेंस में ही डिले हो जाती है। डेफिनेटली मैं आगे प्लान करूँगी अबाउट द कर्मा क्लियरेंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा कर्मा क्लियरेंस। लेकिन कर्मा क्लियरेंस के कारण से ही कहीं ना कहीं हमारी जर्नी डिले हो जाती है, ठीक है। मतलब शी इज़ उन, वो कई बार उनकी सिचुएशंस ऐसी भी हुई है कि उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। मैं फीलिंग सैड, अपसेट, हार्ट पे वाइब्रेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, इस जर्नी में होता ही है। कोई भी शिफ्ट होते हैं, कोई भी आप जब, जैसे कि आप स्टार्टिंग में आप चक्रास करना शुरू करते हैं, आपके टॉक्सिन सरफेस होते हैं। इसी प्रकार से हर फुल मून, न्यू मून पे, हर शिफ्ट में, हर ग्रहण पे आप एक्चुअली अपने कर्मा क्लियरेंस करते हो, एक्चुअली कुछ लेसन सीखते हो, अपने आप को असेंड करते हो। तो वो जब तक कि ये प्रोसेस से आप गो थ्रू नहीं होंगे, आप अपने टॉक्सिन्स को रिलीज नहीं करेंगे, आपकी जर्नी कंप्लीट हो नहीं सकती। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि देखिए, आपको लगता है कि मैं बैलेंस हो गई हूँ, मैंने तो अपना एंगर का इशू, जेलसी का इशू, फियर का इशू सब क्लियर कर लिया है। बट समटाइम्स छोटे छोटे इश्यूज हमारे रह जाते हैं। आपका एंगर किस लेवल का आपने कम किया है, किस लेवल का फियर अभी आपका बाकी बचा रह गया है। आपको लगता है कि अब मैं
एक खास पैटर्न के फियर से अभी बैलेंस हो चुकी हो सकता है कल को कोई और प्रकार की सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आ जाए, सिचुएशन आपके सामने आ जाए, हो सकता है कि तब आप फिर से फियर से ऑपरेट करने लग जाओ। ठीक है, तो क्यों हम लोग खुद को बैलेंस करने के बाद फिर से डिसबैलेंस फील करते हैं, जबकि हम लोग, हमको लगता है कि हमने एंगर का इशू हील कर लिया, हमको लगता है कि हमने फियर का इशू हील कर लिया, बट समटाइम्स हर सिचुएशन में, और सिचुएशन में आपने एंगर को हील किया कि नहीं किया, और सिचुएशन में आपने फियर को हील किया कि नहीं किया। छोटे मोटे फियर्स ठीक है, अब आप डील कर लेते हो, कोई बड़ा फियर आ जाए तब आप कैसे डील करोगे, तब भी आप स्ट्रांग रहोगे कि नहीं रहोगे, यू डोंट नो। एंड प्लस ठीक है, जो आपको पता है वो तो आपने इश्यूज हील कर लिए, बट बहुत सारे हिडन इश्यूज होते हैं, स्मॉल इश्यूज होते हैं जो आपने शायद अभी हील नहीं हुए हैं, तो वो इस इन सब प्लैनेटरी जो आपके मूवमेंट्स होते हैं उसमें आपके सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो इसी को एक्चुअली, इन सब टॉक्सिन्स को ही हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि एनर्जी हमारी क्लियर हो रही है, राइट, बाहर निकल रही है। लेकिन समटाइम्स ये एनर्जी स्टक हो जाती है, हम उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं और वो एनर्जी बाहर निकल नहीं पाती है ठीक से। तो इनकी स्टोरी ये थी कि इनको 20 इयर्स की मैरिज लाइफ में काफ़ी सारे वुंड्स थे, बट शी इज़ सो सिंपल बाय नेचर कि इन्होंने हर वुंड्स को सफ़र किया बट एक शब्द नहीं बोला। और मैं कहूँगी कि इनके लिए आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है, जब इनके सारे टॉक्सिन्स बाहर आए। क्यों? आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर सपोज इनर चाइल्ड होता है, आपने, आपके अंदर इनर चाइल्ड वुंड है, आपने पूरी लाइफ टाइम हील नहीं किया और आपकी डेथ हो गई, तो अब अगले जन्म में उसी वुंड को हील करने के लिए अननेसेसरी आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा एंड आपको मोक्ष नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब इन जो हमारी सब्सक्राइबर हैं, इनको 20 इयर्स की मैरिज में जो भी वुंड कलेक्ट होते गए, इन्होंने एक शब्द मुंह से कभी खोला नहीं। सोचिए, जब 20 साल का जो वुंड था, कितना सारा वुंड था और वो कलेक्ट हो रहा था, और ये उसमें से है कि ये एक शब्द रिवर्ट बैक करके अपने कार्मिक को नहीं बोल सकती, ठीक है, नहीं बोल सकती थी, नहीं बोल पाती थी। लेकिन एनर्जी क्लियरिंग का सेशन किया और कुछ ऐसा इवेंट हुआ कि उनके पूरा, मतलब डिवाइन का, इट वॉज लिटरली डिवाइन प्लान कि यू नो, यू डोंट नो कि कब मिरेकल होता है, और लिटरली इट वॉज मिरेकल कुछ उनकी लाइफ में घटित हुआ। सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है हम नहीं जानते। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अभी आपको लग रहा है कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ, अभी आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, आप तो आपको लग रहा है कि मैं स्टक हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ, यू डोंट नो कि नेक्स्ट मोमेंट आपकी लाइफ में क्या हो जाए, और वो जो होगा ना, वो उस वक्त आपको बवाल लगेगा, बट उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअली इट वॉज डिवाइन प्लान टू रिमूव ऑल योर वुंड्स। इन्होंने 20 साल तक कुछ नहीं बोला अपने कार्मिक को, कुछ उनकी लाइफ में बवाल हुआ, ठीक है, और चीज़ें कार्मिक के सामने आ गई, ठीक है, जिस वक्त वो सिचुएशन को डील कर रही थी, ठीक है, उस वक्त उनको, क्योंकि वो मुझसे कनेक्टेड थी फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझसे बात भी की थी, मैंने सपोर्ट भी किया, ठीक है, उन्होंने डील किया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, आज ही की तारीख की बात है, कि उन्होंने अपने 20 साल के वुंड सारे क्लियर कर लिए, सब कुछ बोल दिया, हर एक चीज़ बोल दी, एंड सी द बेस्ट थिंग, द बेस्ट सेलिब्रेशन, रीजन ऑफ सेलिब्रेशन, दैट शी इज नाउ नॉट गोइंग टू कैरी हर वुंड्स टू नेक्स्ट लाइफ। दैट इज द पावर ऑफ दिस एनर्जी क्लियरिंग सेशन, ठीक है, वरना उनको पूरी जिंदगी अपने इस वुंड को कैरी फॉरवर्ड करना होता। किसी ने कमेंट में लिखा कि बहुत सारे यूट्यूब में मिल जाएंगे, आप देख के कर लीजिए, मुझे पढ़ के बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इसमें मैंने पर्सनल एनर्जी दी है, इट्स नॉट लाइक अदर यूट्यूब वीडियोज, मैंने पर्सनली मिरेकल्स मैनिफेस्ट किए थे इसमें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ मेरे कारण से हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग अंडर द डिवाइन प्लान। मैं यहाँ एक शब्द भी बोल रही हूँ तो वो डिवाइन की मर्जी से बोल रही हूँ,
सो डोंट अंडर एस्टिमेट सेशन, एनर्जी क्लियरिंग सेशन। चलिए खैर, ये तो एक बात हो गई। तो मैं आपको बेसिकली ये गाइड करना चाह रही हूँ, चाहे आपने वो सेशन लिया हो या नहीं लिया हो, मैं बिल्कुल सेशन की पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं आपको मेन चीज़ क्या बताना चाह रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में उथल पुथल हो रही है, ठीक है, अगर तो उसको पॉजिटिवली लीजिए। होपफुली कि कुछ ऐसा ट्रिगर आपकी लाइफ में आएगा जो आपके अंदर के सारे टॉक्सिन्स को, सारे वुंड्स को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। इनकी केस को, इनकी स्टोरी को यूज़ करिए अपने इस सिचुएशन में, आप जिस भी लाइफ की सिचुएशन में डील कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, सब बवाल आपकी लाइफ में हो रहा हो सकता है कुछ चीज़ें आप बोलना चाह रहे हो पर आप नहीं बोल पा रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके हर चीज़ को बोल दीजिए, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि जो भी ट्रिगर्स होंगे ये सब आपकी मेहनत का फल है। जो भी ट्रिगर्स हो रहे हैं या होंगे ये डिवाइनल प्लान का ही एंड रिजल्ट है, ठीक है, और जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो आपके ही फेवर में आएगा। और सबसे बड़ा रिजल्ट तो मेरे ख्याल से ये होता है कि जब आप अपने अंदर के सालों दबी वुंड्स को बाहर निकाल के फ्री हो जाते हो, ठीक है, खूब पर्जिंग होती है, खूब पर्जिंग होती है, खूब रोना आएगा। शी शेयर्ड मी इन द काउंसलिंग कि वो बहुत रोई, 20 साल का सारा दर्द बाहर निकाला उन्होंने। सोचिए 20 साल से जो चीज़ बोल नहीं पाई वो सब उन्होंने आज बोल दिया, उसके बाद वो इतना रोई, इतना रोई, बट आज कितना बड़ा घाव उनने अपने अंदर से क्लियर कर लिया। इस सिचुएशन को एग्जाम्पल लेके अपनी लाइफ में बजाय घबराने के उसको आप डील करिए, सामना करिए। दोस्तों कल मैं बात करूँगी अबाउट द सोलर एक्लिप्स, ठीक है, लेकिन मैं एक ही बात आपसे बोलूँगी, कोई भी एक्लिप्स आती है डर के साथ उसका सामना नहीं करना है। कोई भी चीज़, कोई भी एक्लिप्स जो आती है वो आपको सिर्फ ये सिखाती है कि हमको अपने अंदर का जो भी, जिस चीज़ को आप ग्रांटेड ले रहे हो उस चीज़ पे काम करना है, ठीक है। हर एक्लिप्स आपको सिर्फ स्ट्रांग बनाने के लिए आती है, ठीक है, उसका तरीका कुछ ऐसा होता है, कुछ तरीका ऐसा होता है कि वो आपकी लाइफ में हलचल मचाता है, पर उसका पर्पस सिर्फ आपको, आप जिस चीज़ को आप लाइटली ले रहे हो, जिस चीज़ को आप ग्रांटेड ले रहे हो, राइट, उस एरिया पर आपको काम करना है, वो ये सिखाता है, ठीक है। और इन शॉर्ट में मैं यही बोलूँगी, छल, कपट, मैनिपुलेशन, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करना, धोखेबाजी, ये चीज़ों को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल बाहर फेंकिए। क्योंकि ये जो 6 महीने सूर्य ग्रहण के रहेंगे, क्योंकि ये ग्रहण की मेन चीज़ ये होती है कि जब तक सेकंड आपका ग्रहण नहीं होगा तब तक इसका असर रहता है, ठीक है। तो जिन लोगों के मन में छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, मैनिपुलेशन, कॉम्पिटिशन, दूसरों को गलत तरीके से गलत एडवाइस देना, दूसरों को भ्रमित करना, पाप करना, उन लोगों पर ये भारी पड़ने वाला है, सिर्फ उनके ऊपर। तो आप लोग अगर मन से स्वच्छ हो, आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, आप लोग अपने आप को प्योर बना रहे हो, तो ये आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ये सब हर राशि पर असर करेगा, हर राशि के ऊपर, ठीक है, लेकिन अगर आप निश्चल हो तो ये आप पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। हाँ, पर जिस चीज़ को आप लाइफ में ग्रांटेड ले रहे हो, इफ़ यू आर टेकिंग योर जॉब एज ग्रांटेड, इफ़ यू आर टेकिंग योर फैमिली मेम्बर्स एज ग्रांटेड, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, तो उन पे असर पड़ेगा, ठीक है। सो इस पर मैं अलग से वीडियो कल फिर लेके आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।